हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं इवोल्यूशन का वन शॉट, और ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, देखिए, हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, हम ऐसा पढ़ेंगे कि हमारा काम भी हो जाए और हमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब होता है इवॉल्व करना। ठीक है, तो इवोल्यूशन जो होता है हमारा बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। पहला हम क्या देखते हैं टॉपिक, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स हमारा कब बना था? देखिए, तो मानना है कि बिग बैंग थ्योरी हुई। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हम क्या माना जाता है कि बिग बैंग हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ, इतना बड़ा धमाका हुआ कि उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कब हुआ था? 20 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, इसको हम अनइमेजिनेबल मतलब ये इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बुरा धमाका हुआ था। ठीक है, और गैसेस क्या हो गई? गैसेस हमारी धमाके के बाद से कंडेंस फॉर्म में आ गई। ठीक है, और जब गैसेस कंडेंस हुई तो सबसे पहले कौन कौन सी गैसेस कंडेंस हुई थी? हीलियम और हाइड्रोजन गैस हमारी क्या हुई थी? कंडेंस हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद से आते हैं ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी पे। फिर उसके बाद से हमारा पहले यूनिवर्स बना, हमारा यूनिवर्स कब बना? 20 बिलियन ईयर अगो। फिर हमारा ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी कब बनी? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, हमारे पास हमारी खुद की गैलेक्सी। ठीक है, मतलब पूरे पृथ्वी गैलेक्सी है। ठीक है, तो मिल्की वे, मिल्की वे को हम क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? आकाश गंगा बोलते हैं। और इसको किसने एक्सप्लेन किया था? एक्सप्लेन बाय नेबुला हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको नेबुला हाइपोथेसिस के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, देखिए, नेबुला हाइपोथेसिस क्या कैसे एक्सप्लेन करता है कि मिडिल में सन है और इसके चारों तरफ हमारे क्या है, बाकी के 9 ग्रह इसके चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, देखिए, मिडिल में सन रहता है और सारे प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड इट। ठीक है, देखिए, फिर हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ पे आते हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ हमारा कब हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, मतलब 4.5 बिलियन ईयर अगो पहले हमारा क्या बना था? अर्थ बना था। देखिए, तो हमारे जो अर्थ जब बना था तो वो प्रिमिटिव अर्थ था। फिर ठीक है, फिर उसके बाद से फिर अब जाकर के हमारा अर्थ क्या हुआ, बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, उसको हम रीसेंट अर्थ बोलते हैं। देखिए, जब अर्थ हमारा बना था, ठीक है, तो उस समय कंडीशन कुछ और थी, और आज हमारा अर्थ भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया है, तो उसकी कंडीशन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा अलग है। ठीक है, तो देखिए, जब हमारा अर्थ बना था तो उस समय रिड्यूसिंग एटमोसफेयर था, रिड्यूसिंग एटमोसफेयर था। ठीक, तब हमारी ऑक्सीजन फ्री नहीं होती थी। ठीक है, मतलब आजाद नहीं थी उस समय ऑक्सीजन। ठीक, फिर उसके बाद से देखिए, अर्थ वॉज हॉट ड्यू टू हाई टेम्परेचर। उस समय टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि हम उसे इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था अर्थ का। ठीक है, और बहुत ज्यादा धरती हमारी क्या थी, अर्थ क्या थी हमारी? गर्म थी। ठीक है, और वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे आए दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, पता चला एक ही दिन में दो दो तीन तीन वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं। ठीक है, लाइटनिंग टुक प्लेस, बिजलियां कड़क रही थी, बहुत ज्यादा बिजली गिर रही थी। अब तो सिर्फ कड़कती है, लेकिन उस टाइम पे क्या हो रहा था, बिजली गिरती थी, जिसकी वजह से अर्थ की हालत क्या थी, बहुत बुरी हो गई थी। लेकिन रिसेंट अर्थ की बात करें, अभी की अर्थ की बात करें, तो अभी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन फ्री, हम लोग सांस ले सकते हैं। ठीक है, लेस टेम्परेचर है पहले के मुकाबले, तो बहुत लेस टेम्परेचर है। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन कम होते हैं, कभी कभी देखने को मिलते हैं, साल में, 10 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 3 साल में, ऐसे देखने को मिलते हैं। लाइटनिंग इज रेयर इवेंट, लाइटनिंग बहुत हमारी कम गिरती है अभी। ठीक है, तो देखिए, जब हमारा इवेंट क्या हुए थे प्रिमिटिव अर्थ के टाइम पे, कौन कौन से इवेंट होते थे? देखिए, तो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो वॉल्केनिक जब इरप्शन हुआ तो उसने क्या कॉज किया, लावा निकाला और कुछ गैसेस निकाले। अब वहां पे गैसेस कौन कौन से थे हमारे? गैसेस थे हमारे मीथेन, NH3, H2 और H2O। ठीक है, फिर उसके बाद से देखिए, उस समय ओजोन लेयर नहीं थी धरती पे। ठीक है, क्या नहीं थी? ओजोन लेयर नहीं थी। जब ओजोन लेयर नहीं थी तो डायरेक्टली सन से क्या आ रहा था, यूवी रेडिएशन हमारे डायरेक्टली अर्थ पे आ रहे थे। ठीक है, और जब यूवी रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ पे आ रहे थे, तो इस रेडिएशन से क्या हो रहा था, H2O और मीथेन हमारे स्प्लिट हो गए। ठीक है, यूवी रेडिएशन के डायरेक्टली अर्थ पे टच करने से H2O और हमारे जो मीथेन था वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया और CO2 बन गया। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया। और जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ तो हमारा क्या बन गया, ओजोन लेयर भी बन गई। और जब ओजोन लेयर बन गई तो अब यूवी रेडिएशन नहीं आ सकती थी। ठीक है, और जब ओजोन लेयर बन गई तो यूवी रेडिएशन अंदर नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर क्या कर रही, प्रोटेक्ट कर रही है अर्थ को, किससे? यूवी रेडिएशन से। ठीक है, तो देखिए, जो हमारी ओजोन लेयर थी, जब ओजोन लेयर हमारी बन गई तो पृथ्वी क्या होने लगी, जो अर्थ था हमारा वो कूल होने लगा, मतलब ठंडा होने लगा। ठीक है, और जब पृथ्वी हमारी ठंडी होने लगी तो फिर रेनफॉल स्टार्ट हो गई, बारिश होने लगी बहुत ज्यादा, और बहुत सालों तक ये बारिश चली थी। ठीक है, बहुत सालों तक ये क्या हुई थी, बारिश चली थी, जिसकी वजह से अर्थ और क्या हो गया, और ज्यादा कूल हो गया इस बारिश की वजह से। ठीक है, अर्थ हैड लॉट्स ऑफ लार्ज डिशेज दैट टाइम। ठीक है, देखिए क्या था ना, कि इतने ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे, इतनी ज्यादा बिजली गिरी थी कि धरती में बहुत बड़े 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 बहुत ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। ठीक है, और जब बारिश हुई तो वो सारे गड्ढे क्या हुए, भर गए पानी से। ठीक है, दे फिल फ्रॉम वाटर। उसके बाद से जब ये सारे गड्ढे भर गए तो उसमें क्या बन गया, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, ओशियन और सी वर फॉर्म्ड। ठीक है, फिर देखिए, एक हमारा टर्म आता है हॉट डाइल्यूट सूप, हार्डन सूप, उसके बाद से प्रीबायोटिक सूप। देखिए, इसमें क्या होता है ना हमारा, कि इस समय इतने ज्यादा रिएक्शन हो रहे थे, ऑल रिएक्शन वर अकरिंग एट दैट टाइम, कि हमारा जो ओशियन का वाटर था वो कैसा हो गया, एकदम नमकीन हो गया, सेलाइन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद से देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए जो हमारा हॉट डाइल्यूट सूप था, पानी वानी की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले लाइफ हमारी कहाँ पे थी, लाइफ हमारी अगर हम देखें तो लाइफ हमारी सबसे पहले पानी से ही आई थी। ठीक है, जैसे कि हमारा प्लांट किंगडम एग्जाम्पल के ले लीजिए, या फिर एनिमल किंगडम हमारा क्या ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए। ठीक है,
तो देखिए, अब अभी तक हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देख लिया, ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी देख लिया, अब हम ओरिजिन ऑफ अर्थ भी देख चुके हैं। अब हम आते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ पे। देखिए, हमारा अर्थ बना था 4.5 बिलियन ईयर अगो पहले, और हमारी पहली लाइफ कब आई थी? 4 बिलियन ईयर अगो पहले। ठीक है, आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन, अर्थ बनने के बाद, मतलब अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर बाद। ठीक है, उसके बाद से देखिए थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। देखिए, बहुत सारी क्रिएशन, मतलब बहुत सारी थ्योरी दी गई कि अर्थ ऐसे बना, पूरी ब्रह्मांड ऐसे बना, तो उसमें से कुछ ऐसे हमारी थ्योरीज हैं, उसे मैंने लिख लिया है। डिटेल में नहीं पढ़ रहे हम लोग, क्योंकि ये वन शॉट है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं रहेगा अपने पास। तो देखिए, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन देखते हैं। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन किसने दी थी? फादर सॉरेज ने दी थी। फादर सॉरेज क्या बोले कि सब कुछ गॉड ने बनाया है। ठीक है, और सब कुछ गॉड ने बनाया, और वो भी 6 दिन में इन्होंने बना दिया था। ठीक है, पहले दिन में इन्होंने इन्होंने यूनिवर्स बनाया, फिर सेकंड डे गैलेक्सी बनाई, अर्थ बनाया, फिर माउंटेन बनाए, बर्ड्स बनाए, देन उसके बाद से ये यही सब इन्होंने बताया था। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड थ्योरी पे। सेकंड थ्योरी हमारी कैटोट्रॉफिज्म थ्योरी। ठीक है, कैटोट्रॉफिज्म थ्योरी किसने दी थी? क्यूवियर ने दी थी। ये क्या क्या बताया था? देखिए, कैटोट्रॉफिज्म का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, मतलब तबाही। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि बहुत सारे मास एक्सटेंशन हुए थे। ठीक है, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुआ था, और बहुत सारे डिस्ट्रक्शन के बाद क्या बनती है? लाइफ बनती है। जब एक डिस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद लाइफ ओरिजिनेट होती है। तो उन्होंने बताया बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हो चुके थे, और प्रेजेंट टाइम में, उस टाइम के प्रेजेंट टाइम में सबसे नया वाला जो एक्सटेंशन हुआ था, वो था लेटेस्ट हुआ था डायनासोर वाला। ठीक है, 5 एक्सटेंशन हो चुके थे, और लेटेस्ट उस समय चल रहा था डायनासोर वाला। ठीक है, तो लाइफ कम फ्रॉम, इन्होंने भी बताया कि कोई सुपर पावर होती है भाई, मतलब बहुत ज्यादा अनइमेजिनेबल कोई ऐसी पावर होती है जो लाइफ बनाती है। ठीक है, और वो जब एक्सटेंशन होता है, तो गॉड आते हैं, गॉड आने के बाद से वो लाइफ क्रिएट करते हैं और फिर चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हम देखते हैं थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, पैन स्पर्मिया थ्योरी, या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी। ठीक है, एक ही थ्योरी है, लेकिन इसके 3 नाम है। ठीक है, क्या है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, पैन स्पर्मिया थ्योरी, या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी। ठीक है, तो इसको किसने दिया था? इसको दिया था आरेनियस ने। आरेनियस ने क्या बोला? आरेनियस ने बोला, बोला लाइफ कम इन फॉर्म ऑफ सीड, स्पोर, स्पर्म। ठीक है, कहीं से, किसी और प्लेनेट से सीड, स्पोर और स्पर्म आया, वो पूरी पृथ्वी पे क्या हो गया, पूरी पृथ्वी पे फैल गया, उससे क्या हुई? लाइफ आई। ठीक है, और ये क्या थी? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की बहुत फेवरेट थ्योरी थी ये। ठीक है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने इसको एक्सेप्ट किया, हाँ हाँ यही है, यही है। ठीक है, फिर उसके बाद से चौथे आए हमारे, चौथी थ्योरी थी हमारी थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। और जो ए बायोजेनेसिस की थ्योरी थी, इसको दिया था एरिस्टोटल ने। किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। ठीक है, लाइफ कम, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि लाइफ कम फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, कि मरी हुई चीजों से क्या होता है, मतलब मिट्टी में ही, मिट्टी से ही बने, और मिट्टी में ही क्या करेंगे, फाइनली हम लोग मिल जाएंगे, ऐसा इनका थ्योरी था। डेड और डिकेइंग मैटर से क्या होता है? लाइफ आती है। ठीक है, फिर आई हमारी थ्योरी ऑफ बायो जेनेसिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या थी? काउंटर थी ए बायोजेनेसिस की। बायोजेनेसिस के बाद से, मतलब इसने क्या कर दिया, ए बायोजेनेसिस की थ्योरी को गलत कर दिया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने। इसको किसने दिया था? इसको दिया था लुईस पाश्चर ने। ठीक है, इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। ठीक है, देखिए, इन्होंने बीकर लिया, बीकर में क्या रखा, इन्होंने डेड डिकेइंग मैटर रखा एक। ठीक है, उस डेड डिकेइंग मैटर पे क्या हुआ, बट उस डेड डिकेइंग मैटर पे लाइफ नहीं आई। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, ए बायोजेनेसिस की थ्योरी को क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। कहने लगे भैया ऐसा कुछ नहीं होता, पता नहीं वो क्या बता के चले गए। ठीक है, देन अगेन देखिए, अगेन लुईस पाश्चर ने क्या कहा, लुईस पाश्चर टोल्ड लाइफ ऑलवेज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लुईस पाश्चर ने बताया कि लाइफ जो हमारी, न्यू लाइफ जो आती है, वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है। ठीक है, तो इसको तो इन्होंने बताया, लेकिन इसको जो प्रूफ जो था, मतलब इसको जो आगे बताया किसने, मतलब बहुत अच्छे से उसको समझाया, तो वो केमिकल इवोल्यूशन में इसको आगे कंटिन्यू किया ओपेरिन और हाल्डेन ने। ठीक है, इसको किसने कंटिन्यू किया केमिकल इवोल्यूशन में, ओपेरिन और हाल्डेन ने। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, ओपेरिन और हाल्डेन ने बताया कि सबसे पहले एलिमेंट थे, एलिमेंट कंपाउंड बने, कंपाउंड से मोनोमर्स बने, मोनोमर्स से पॉलीमर्स बने। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ कहाँ पे, वाटर के अंदर। ठीक है, वाटर के अंदर रिएक्शन हुआ, फिर क्या हो गया, ये लोग कंपाउंड बन गए, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। फिर कंपाउंड से क्या हुआ, कंपाउंड से ये हमारे मोनोमर्स बने। ठीक है, मोनोमर्स से मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड में अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। फिर मोनोसेक्राइड से पॉलीमर्स बने, पॉलीमर से पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सब। ठीक है, तो देखिए हमारे फाइनली क्या हुआ, फाइनली ओपेरिन और हार्डेन ने बताया कि बायोमोलिक्यूल्स हमारे बने हैं, बायोमोलिक्यूल्स हमारे बनने स्टार्ट हुए थे ऐसे। ठीक है, इन्होंने बताया कि बायोमोलिक्यूल ऐसे बने होंगे, और फिर ऐसे ही बायोमोलिक्यूल से फिर हमारा सेल बन गया होगा। ठीक है, तो इन्होंने तो इतना बता दिया। देखिए, फिर उसके बाद से हमारा जो सेल्फ फॉर्मेशन था, सेल्फ फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, सेल्फ फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसको बताने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज आई। दो थ्योरीज कौन कौन से थी? एक आई कोएस वेट थ्योरी, और एक है हमारी माइक्रोस्फेयर थ्योरी। जो हमारी कोएस वेट थ्योरी थी, उसको दी ओपेरिन ने। ठीक है, और जो माइक्रोस्फेयर थ्योरी थी, उसको दी सिडनी फॉक्स ने। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, देखिए पॉलीमर जो थे हमारे, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इसको रख करके इन्होंने अपनी कोएस वेट थ्योरी और माइक्रोस्फेयर थ्योरी इन्होंने दी थी।
देखिए, जो हमारी कोवेस वेट थ्योरी थी जो ओपेरिन ने दी थी, उसमें उन्होंने क्या किया कि एक बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर में उन्होंने क्या डाले, पॉलीसेक्राइड डाले और प्रोटीन्स डाल दिए, ठीक है, और उसको फिर क्या किया उन्होंने, मिक्स किया। और जब उन्होंने उसको मिक्स किया तो उन्होंने देखा कि भाई साहब इसमें कुछ अलग ही बन गया है, ठीक है, मतलब इनको उन्होंने नाम दे दिया, ओपेरिन ने नाम दे दिया प्रोटोबायोन्ट्स। क्या बोल दिया? प्रोटोबायोन्ट्स। हमारे प्रोटोबायोन्ट्स क्या है? प्रिकर्सर ऑफ लाइफ है, ठीक है, लेकिन जो प्रोटोबायोन्ट्स हमारे बने थे, ठीक है, उसका जो सेल मेम्ब्रेन था ना हमारा, वो किसका था? पॉलीसेक्राइड प्रोटीन का था, ठीक है, तो जो पॉलीसेक्राइड प्रोटीन का जो उसका सेल मेम्ब्रेन था, वो क्या नहीं कर पा रहा था? रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको बोला गया ये सेल नहीं है। देखिए, सेल का सेल होने के लिए उसका रिप्रोड्यूस करना जरूरी है, ठीक है। फिर आए हमारे सिडनी फॉक्स, ठीक है, माइक्रोस्फीयर थ्योरी इन्होंने दी, तो इन्होंने क्या किया, अमीनो एसिड को पहले हीट किया, लेकिन उससे बात नहीं बनी। फिर उसके बाद से आगे और एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जब आगे और एक्सपेरिमेंट किए तो इन्होंने बीकर लिया, इसमें प्रोटीन पॉलीमर और इस बार इन्होंने एक्स्ट्रा चीज मिला दी, क्या, लिपिड मिला दिया। तो लिपिड मिलाने के बाद जब इन्होंने, जब इनको फिर से वही चीज मिली, ठीक है, तो इन्होंने देखा कि जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो उसकी क्या बन गई है, लिपिड बाइलेयर फॉर्मड हो गया, क्या क्या बन गया है, लिपिड बाइलेयर फॉर्म हो गया है, ठीक है, और इसने क्या कर दिया, रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। कौन सा रिप्रोडक्शन? बाइनरी फिजन, ठीक है, कौन सा? बाइनरी फिजन। तो हमको यहां से ये पता चला, वी एबल टू नो दिस इफ सेल मेम्ब्रेन फॉर्म बाय लिपिड, जो सेल मेम्ब्रेन होती है अगर वो लिपिड की बनी होती है, वो क्या शो करेगी, रिप्रोडक्शन को शो करेगी। देखिए, जो ये वाली थ्योरी थी, ठीक है, इसको दिया तो ओपरिन और हार्डन ने था, लेकिन उसे प्रूफ किसने किया, यूरे और मिलर ने, ठीक है, इन्होंने क्या किया, यूरे और मिलर ने ही इसको प्रूव किया। देखिए, जो यूरे और मिलर थे, इन्होंने क्या किया, सेमुलेशन किया। सेमुलेशन का मतलब इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन उसको लेबोरेटरी में बना दी, ठीक है। तो देखिए, सेमुलेशन का मतलब क्या होता है, सेमुलेशन का मतलब होता है मेक आर्टिफिशियली रियल कंडीशन। देखिए, इन्होंने क्या किया, जो प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन थी उसको आर्टिफिशियली तैयार कर दी लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। देखिए, रेप्लीकेट प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन इन लेबोरेटरी, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे एक बॉयलर लगाया, ठीक है, इसमें क्या किया, यहाँ पे इन्होंने वाटर कोट रख दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या भर दिया इन्होंने, वाटर भर दिया। फिर उसके बाद से यहाँ से पूरी एक पाइप कनेक्ट की, मतलब जो बीकर का पूरा ग्लास का अपरेटस होता है पूरा कनेक्ट किया, और यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रोड का पूरा सामान रख दिया। फिर यहाँ पे इन्होंने कंडेंसर रख दिया, ठीक है, जिससे कूलिंग कर सके, पूरा इन्होंने एक सेटअप पूरा तैयार कर दिया, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीजन रिमूव किया, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव की, वैक्यूम बनाया, ठीक है, प्रिमेटिव अर्थ की कंडीशन पे पूरा चल रहे हम लोग। पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पूरा वैक्यूम बनाया, फिर यहाँ पे वाटर डाला, वाटर के इन्होंने क्या किया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितने पे, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको बॉयल करना स्टार्ट किया। जब वाटर बॉयल होने लगी तो उसके उड़ के एवोरेट होके कहाँ पे गई, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बाद, और इलेक्ट्रोड में इन्होंने कितना वोल्टेज दिया था, 75,000 वोल्ट का इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोड दिया था, ठीक है। और जब यहाँ पे वाटर वेपर्स आए तो हमारी क्या हुई, तीन गैसेस बनी, कौन कौन सी, मिथेन, NH3 और H2, और उसका रेशियो क्या था, 2:1:2 का रेशियो था, याद रखिएगा, 2:1:2 का रेशियो था, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंडेंसर था, कूलिंग हुई, फिर यहाँ पे 18वें दिन, 18 दिन तक ये ऐसे ही चलता रहा, ठीक है, 18 दिन तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा, कंडेंस होता था, फिर उसके बाद से बॉयल होता था, फिर जाता था इलेक्ट्रोड, ये सब पूरा 18 दिन तक चलता रहा। 18वें दिन इनको कुछ पार्टिकल्स मिले, और वो पार्टिकल्स कौन से थे, अमीनो एसिड्स थे हमारे। इनको 18वें दिन क्या मिला, दे गॉट द सैंपल ऑफ अमीनो एसिड एट 18 डे, ठीक है। और वो अमीनो एसिड कौन कौन से थे, हमारे अमीनो एसिड थे वो एलानिन, एस्पार्टेट और ग्लाइसिन। कौन कौन से थे, एलानिन, एस्पार्टेट और ग्लाइसिन, ठीक है। फर्दर ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत फिर बड़े बड़े स्केल पे ही एक्सपेरिमेंट करने लगे, तो फिर इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि हाँ चलो ठीक, फैटी एसिड भी ऐसे ही, ग्लाइसरोल और बहुत सारी चीजें इनको क्या हुई, मिली, ठीक है। तो इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनली क्या हुई, ये जो थ्योरी थी इसे एक्सेप्ट कर ली गई, ठीक है, सम हाउ इट इज एक्सेप्टेड, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम कीमोजेनिक थ्योरी, ठीक है, मतलब कुछ ऐसी ही लाइफ बनी होगी इस थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद से आते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पे, इवोल्यूशन के एविडेंसेस, ठीक है। तो फिर आते हैं पैलेंटोलॉजी पे, पैलेंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल, ठीक है, पैलेंटोलॉजी एविडेंसेस, पैलेंटोलॉजी एविडेंसेस मतलब फॉसिल्स पे आते हैं, ठीक है। तो फॉसिल्स क्या होते हैं हमारे, फॉसिल्स ऐसे होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जिनके हार्ड हमारे, जिनके हार्ड क्या होते हैं, बचे होते हैं, मतलब हार्ड पार्ट्स उनके क्या होते हैं, बचे होते हैं, और उनको बाद में मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में, ठीक है। देखिए, जैसे क्या होता है, यहाँ पे हमने सेडिमेंट्री रॉक की एक लेयर बना दी है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और सबसे अंदर की लेयर, सबसे बाहर की लेयर, फिर बीच की दो लेयर, फिर उसके बाद से सबसे अंदर की लेयर, ठीक है। तो सबसे जो अंदर की लेयर पे जो फॉसिल मिला होगा वो उतना पुराना, और जो सबसे बाहर के लेयर पे जो फॉसिल मिला होगा वो उतना पहले का, ठीक है। जैसे मानिए मिट्टी है, मानिए मिट्टी है, इतनी बड़ी मिट्टी है, ठीक है, तो जो पहले ऊपर, पहले जो सबसे पुराना, फिर उसके पास और मिट्टी भरी गई होगी, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, तो ऐसे समय के साथ साथ मिट्टी भरती चली जा रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो सबसे नीचे मिला होगा वो हमारा ओल्डेस्ट फॉसिल, और जो सबसे ऊपर मिला होगा वो हमारा अर्लीस्ट फॉसिल होगा, ठीक है। अच्छा, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल, फॉसिल के बनने को क्या बोलते हैं हम लोग,
पेट्रीफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रीफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो हम कुछ टर्म पढ़ते हैं, कुछ टर्म है हमारे पास कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, जैसे मानिए एक जगह है हमारे पास बिहार, एक जगह है हमारी दिल्ली और एक जगह है हमारी मुंबई। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं बिहार के बारे में, तो बिहार में क्या है कि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, अब वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे काम कम पड़ गया। ठीक है, तो वहां के लोग क्या करेंगे कि अब थोड़ा दूर बिहार में ही थोड़ी दूर दूर तक फैलेंगे। ठीक है, थोड़ी दूर दूर तक क्या करेंगे, बिहार में ही उसके आउटर पे जाएंगे कि भैया यहाँ पे थोड़ा बहुत काम हो। लेकिन मानिए अब आउटर पे भी काम नहीं है तो वो क्या करेंगे, अब वो दूसरे दूसरे जगह जगह जाएंगे। ठीक है, कोई दिल्ली जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, मुंबई जाएगा। तो देखिए जब सेम जियोग्राफिकल एरिया की स्पीसीज सारी, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया के डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में जाने लगे। ठीक है, सेम जियोग्राफिकल एरिया की स्पीसीज जब वो डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में जाने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया की स्पीसीज सेम जगह पे आ जाए। ठीक है, मानिए कोई मुंबई से आ गया बिहार में बसने और दिल्ली से आ गया रहन, मतलब घूमने नहीं बसने आ गए यहाँ पे लोग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। जो हमारे मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस हैं, हमारे तीन तरीके पे इसको हम डिवाइड कर देते हैं, डाइवर्जेंट पे, कन्वर्जेंट और एडेप्टिव रेडिएशन पे। देखिए जो डाइवर्जेंट हमारा जो होता है, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस में जो हमारा डाइवर्जेंट है, यहाँ पे क्या होता है, इनके एंसेस्टर्स सेम होते हैं। सेम कैसे होते हैं, देखिए जैसे मानिए बिहार था, बिहार से लोग दिल्ली गए और मुंबई गए, तो एंसेस्टर्स उनका सेम ही है ना, एंसेस्टर तो उनका सेम ही है। ज्योग्राफिकल एरिया कैसा होता है, सेम होता है, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया से निकल के गए। ठीक है, ट्रू इवोल्यूशन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, होमोलॉगस देखने को मिलता है यहाँ पे, रिजल्ट यहाँ पे कैसा देखने को मिलता है, होमोलॉगस। होमोलॉगस क्या मतलब, स्ट्रक्चर तो इनका सेम रहता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट रहता है। जैसे मानिए सेम एरिया से निकले हैं तो स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है, लेकिन सेम जगह जगह पे गए। दिल्ली में लोग अलग तरीके से रहते हैं और मुंबई में लोग अलग तरीके से रहते हैं, तो इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, जीने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन है कैसे, ये लोग सेम है। ठीक है, मतलब जो ये लोग बिहार से निकल के दिल्ली मुंबई गए हैं, तो अगर बिहार वालों को दिल्ली से उठाएं और अगर बिहार वालों को मुंबई से उठाएं तो होंगे तो दोनों सेम ही ना, लेकिन रहने का तरीका अलग अलग। ठीक है, फिर उसके बाद से बात करते हैं कन्वर्जेंट की। तो कन्वर्जेंट में क्या है, नो कॉमन एंसेस्टर, यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर देखने को नहीं मिलता। जैसे कि बात करिए बिहार है, दिल्ली है और ये मुंबई है, तो दिल्ली से लोग कहाँ आ गए, बिहार में आ गए, मुंबई के भी लोग बिहार में आ गए, तो यहाँ के एंसेस्टर्स अलग हो गए और यहाँ के एंसेस्टर्स अलग हो गए। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ट्रू इवोल्यूशन नॉट, अगर यहाँ पे ट्रू इवोल्यूशन नहीं होती है। ठीक है, और ये एनालॉगस होते हैं, एनालॉगस कैसे, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है लेकिन सेम फंक्शन। देखिए दिल्ली से आए थे, डिफरेंट स्ट्रक्चर, मुंबई से आए हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन कहाँ आए, बिहार में, काम कहाँ कर रहे हैं, बिहार में, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, सेम। समझ में आया। फिर उसके बाद से बात करते हैं एडेप्टिव रेडिएशन की। एडेप्टिव रेडिएशन में हमारा क्या होता है, एंसिस्टर हमारे कॉमन होते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया कैसा होता है, डिफरेंट होता है, और एवोल्यूशन कैसे देखने को मिलता है हमें, ट्रू एवोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए हम होमोलॉगस एग्जाम्पल देखते हैं। होमोलॉगस एग्जाम्पल हमारे जैसे कि लिम्स ऑफ बैट, वेल, चीता, ह्यूमन। तो इनका क्या है, होमोलॉगस में हमने क्या पढ़ा था, होमोलॉगस में हमने पढ़ा था कि सेम स्ट्रक्चर रहता है और फंक्शन डिफरेंट रहता है। देखिए तो स्ट्रक्चर कैसा है, बैट का, वेल का, चीता का, ह्यूमन का, इनके लिम्स का स्ट्रक्चर कहता है सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद से थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। ठीक है, तो इनके बोगेनविलिया के थॉर्न का और कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स का क्या है, जो स्ट्रक्चर है कैसा है, सेम है, लेकिन फंक्शन क्या क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद से बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस की। तो एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस में देखते हैं विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। देखिए विंग ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की जो विंग होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिफरेंट होता है, और बर्ड की विंग का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, दोनों उड़ ही रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से आई ऑफ ऑक्टोपस और आई ऑफ ह्यूमन, ये भी सेम है, स्वीट पोटैटो पोटैटो। ठीक है, फिर उसके बाद से बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी एविडेंसेस की। एम्ब्रियोलॉजी एविडेंसेस क्या है हमारे, इसको किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। देखिए एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में अर्नेस्ट हैकल में क्या होता था, जब देखिए जब कोई भी बेबी वूम में बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो उसमें उसके बढ़ते हुए एज में, ठीक है, उसके बढ़ते हुए बॉडी में हमें वो सारे इवोल्यूशन देखने को मिलते हैं जो कि हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ आते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ऑन्टोजेनी रिकैप्टुलेट करती है फाइलोजेनी को। ठीक है, देखिए इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता चलता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे कि हार्ट होता है, बेबी का जो हार्ट होता है, ठीक है, जब हार्ट जो होता है उसका, जब उसका हार्ट बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसका हार्ट कैसे बनेगा, एकदम से चार चैम्बर एकदम से बड़ा हार्ट तो नहीं बन जाएगा, पार्ट में करके ही बनेगा ना, धीरे 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 धीरे। तो पहले फर्स्ट चैम्बर बनता है, देन सेकंड चैम्बर बनता है, देन तीन चैम्बर बनता है, देन फाइनली उसके चार चैम्बर हार्ट तैयार हो जाता है। तो सेकंड चैम्बर हार्ट हमारा किस में देखने को मिलता है, फिशेज में भी देखने को मिलता है। तो थर्ड चैम्बर हार्ट किस में देखने को मिलता है, एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। और फोर्थ चैम्बर हार्ट किस में देखने को मिलता है, बर्ड और ह्यूमंस में देखने को मिलता है। तो देखिए फर्स्ट चैम्बर हार्ट से लेकर के फोर्थ चैम्बर हार्ट तक का जो उसका पीरियड था, उसमें हमें क्या, पीछे के जितने भी इवोल्यूशन, पीछे के जितने भी हमारे इवोल्यूशन थे वो सब देखने को हमें
मिल गया। जैसे कि सेम होता है हमारा नोटोकॉर्ड के साथ, ठीक है। नोटोकॉर्ड हमारा किसमें चेंज हो जाता है, वर्टिबर कॉलम में चेंज हो जाता है। नोटोकॉर्ड हमें किसमें देखने को मिलता है, फिशेज में और सिफेलोकॉर्डेट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद से बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स की। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि अब हमारे एंसेस्टर्स में तो काम के थे, लेकिन हमारे अंदर उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। वो वक्त के साथ क्या हो गया, बेकार हो गया, ठीक है। देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन स्ट्रक्चर, रिमेनेंट ऑफ ऑर्गन विच वर कंप्लीटली फंक्शनल इन देयर एंसेस्टर्स, लेकिन अब वो किसी काम के नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करते हैं रेप्टाइलियन जॉ ऑपरेटर्स, रेप्टाइल का तो जॉ ऑपरेटर्स होता है, हिंड लिम ऑफ पाइथन, ठीक है, पाइथन जो स्नेक होता है हमारा, ठीक है, हाइंड ऑफ ग्रीन हाइंड लिम ऑफ ग्रीनलैंड वेल, ग्रीनलैंड वेल की हाइंड लिम्स, ठीक है, ऑरिकुलर मसल ऑफ पिना, ठीक है, जो हमारे ऑरिकुलर मसल होती है पिना के, ठीक है, वो क्या होती थी, घूम जाती थी, विजडम टूथ, ठीक है, विजडम टूथ। देखिए विजडम टूथ टूथ जो थे, जैसे कि गोरिल्ला उरिल्ला में देखेंगे आज भी विजडम टूथ जो होते हैं वो उनके में काम के होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको अंदर तक चबाना होता है, लेकिन हमको अंदर तक फूड नहीं ले जाना होता है, उनके जॉज बड़े होते हैं, तो उनके में विजडम टूथ क्या है, वेस्टिजियल नहीं है अभी भी, ठीक है। उसके बाद से बॉडी हेयर, जैसे देखते होंगे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे अभी, तो देखिए बॉडी हेयर बहुत एकदम से कम होते जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में अभी भी बहुत सारे बॉडी हेयर होते हैं, ठीक है। सेगमेंटल मसल और एबडोमेन, ठीक है, जो हमारी सेगमेंटल मसल्स होती है, जो हमारे एब्स वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद से अपेंडिक्स, ठीक है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। फिर उसके बाद से कॉडल वर्टिब्रे, ठीक। तो ये सब हमारे क्या थे, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर थे, ठीक है। देखिए हम आते हैं एक नए टर्म पे, नया टर्म हमारा एटाविज्म। एटाविज्म क्या है, इट इज री अपीयरेंस ऑफ सर्टेन एंसेस्ट्रल करेक्टर। देखिए बहुत सारे लोगों में क्या होता है, देखिए ऐसा तो धीरे धीरे हमारे एंस्ट्रक्चर जो हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, कुछ हमारे ऑर्गन्स है जो धीरे धीरे वेस्टिजियल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मानिए कोई इंसान है, उसके अंदर अचानक से कोई ऐसा एंसेस्ट्रल करेक्टर है, वो फिर से रीअपियर हो जाए, जैसे कि मूविंग पिना, ठीक है। पीना क्या होता है यार, का वो मूव कर जाता था, ठीक है, आज भी कुछ लोगों के अंदर है। डेवलपमेंट ऑफ कैनाइन टीथ, उनके कैनाइन टीथ क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग डेंस हेयर, ठीक है, बाल बहुत ज्यादा निकल आते हैं। शॉर्ट टेल इन सम बॉडीज, ठीक है, छोटी पूंछ निकल आती है, सिट्रस की लीफ, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की किसने दी थी, लेमार्क ने दी थी, जिसको हम लेमार्किज्म भी कहते हैं। इनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट पियर एंटोनी डी मोंटे चेवलियर डी लेमार्क, ठीक है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या दी थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, मतलब जो इनका थ्योरी था थोड़ा सा अलग था, लेकिन इन्होंने उस टाइम पे थ्योरी दी थी। तो इन्होंने थ्योरी में क्या आता था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, ठीक है। जैसे मानिए कोई ह्यूमन है, ठीक है, आज के टाइम पे इसको एग्जाम्पल की तरह सेट करते, कोई ह्यूमन है, आज अगर उसने अपने क्या किए, जैसे मानिए उसने अपनी आंखें बदलवा दी, ठीक है, उसकी आंखें ब्लैक थी, उसने ब्लू आईज ले ली, ठीक है, तो ब्लू आईज उसके बच्चों में भी आ जाएगी। इन्होंने ऐसा बताया कि जैसे इसका सिंपल से एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी पेरेंट ने अपने हेयर कलर करवा दिए अभी, तो वो क्या हो गया, एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया, और जब उसके बच्चे होंगे तो उसमें भी क्या होगा, ये कैरेक्टर, उसके बाल रेड होंगे, ठीक है, ब्लैक नहीं होंगे, इन्होंने ये बताया, ठीक है। अगर पेरेंट हेयर कलर करवा लो तो नेक्स्ट जनरेशन में कैसा होगा, उसके हेयर में क्या आ जाएगा, वो कलर आ जाएगा, ठीक है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन बताया इन्होंने, इन्होंने यूज ऑफ ऑर्गन में क्या बताया, कि अगर कोई कोई ह्यूमन है, अगर वो अपने ऑर्गन्स का, जिस ऑर्गन का यूज ज्यादा करेगा, वो ऑर्गन आगे आने वाले जनरेशन में वर्क करेगा, और जो जिस ऑर्गन का यूज वो नहीं करेगा, वो समय के साथ डिजनरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि जिराफ, जिराफ जो होता है वो उछल के पत्तियां खाता था, तो उसकी क्या होगी, गर्दन बहुत लंबी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद से आते हैं हमारे डार्विनिज्म। तो डार्विनिज्म की थ्योरी में क्या था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था इसको, ठीक है। ये कहाँ गए थे, ये वोयक गए थे, ये वेंट वोयज विद एच एम एस बीगल शिप, इनकी शिप का नाम था एच एम एस बीगल, ठीक है। एच एम एस का मतलब होता है हर मेजेस्टी शिप, हर मेजेस्टी बीगल शिप से ये कहाँ गए थे, वोयाज गए थे, ठीक है। टू मेन फीचर इन हिज थ्योरी, इनकी थ्योरी में दो मेन फीचर्स हैं, कौन कौन से, एक नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने बताया था, और एक ब्रांचिंग डिसेंट इन्होंने बताया था। नेचुरल सिलेक्शन में इन्होंने क्या बताया था, नेचुरल सिलेक्शन दोज हु हैज स्ट्रॉन्ग रिप्रोडक्टिव फीचर, ठीक है। देखिए इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन में वो बताया कि नेचर के साथ वो सर्वाइव कर पाएगा जिसका रिप्रोडक्टिव फीचर क्या हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। दूसरी थ्योरी ने दी ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट में इन्होंने क्या बताया कि एक एक्स स्पीसीज है, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस आ गए, तो उसकी प्रोजनी में क्या हो जाएगा, थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मानिए एक्स स्पीसीज है, फिर से चेंजेस आ गए, तो उसकी एक स्पीसीज में फिर से चेंजेस आ जाएंगे, ऐसे ही क्या करेगी, ब्रांचिंग डिसेंट चलता जाएगा। लेकिन जो ब्रांचिंग डिसेंट है वो कैसा है, स्लो है, ग्रेडुलर है और डायरेक्शनल है, ठीक है, ये स्लो प्रोसेस है, चेंजेस इतनी जल्दी नहीं आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से एक हमारे पास टर्म है इंडस्ट्रियल मेलेलिज्म। इंडस्ट्रियल मेलेलिज्म क्या है, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद, मतलब जब हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थी, उसके पहले का जो हमारा इन्वायरमेंट था कैसा था, और इंडस्ट्री आने के बाद का इन्वायरमेंट हमारा कैसा। देखिए जब हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, तो उस समय कोई पॉल्यूशन नहीं होता था, ठीक है। जैसे मानिए हमारे पास ट्री है, तो उस ट्री पे क्या था, एक व्हाइट लाइकन लग गया, ठीक है, ये व्हाइट लाइकन है हमारा, ये उस पे लग गया, ठीक है। तो व्हाइट लाइकन पे एक हमारा ब्लैक मॉथ बैठा है, मॉथ हमारा एक तरीके का छोटा सा फ्लाई होता है, ठीक है, और एक व्हाइट मॉथ बैठा है, ठीक है। तो व्हाइट
व्हाइट लाइकन पे व्हाइट मॉथ एकदम कैमोफ्लेज हो जाता है, मतलब एकदम उससे मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ब्लैक मॉथ क्या करता है, व्हाइट पे ब्लैक कलर एकदम क्लियरली दिखता है ना, तो बर्ड क्या करती थी, ब्लैक वाले मॉथ को खा जाती थी, समझ रहे हैं। बर्ड क्या करती थी, ब्लैक वाले मॉथ को खा जाती थी। यहाँ पे क्या हो गया, एकदम से ब्लैक मॉथ की क्या हो गई, गिरावट आ गई, ठीक है। और फिर जब पॉल्यूशन आ गया, आफ्टर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, यही ट्री है, इस पे व्हाइट लाइकन लगा है, ठीक है। ये ट्री कैसा हो गया, अब ये ट्री जो था ना, ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया, ठीक है। तो इस पे लाइकन लगा हुआ है, तो अब ये ट्री जो ब्लैक हो गया, इसके ऊपर हमारा क्या बैठा, ब्लैक मॉथ बैठा, और यहाँ वहाँ पे व्हाइट मॉथ बैठा। तो अब ब्लैक ट्री है, इस पे व्हाइट कलर, अब एक व्हाइट छोटी सी बिंदी क्या दिख नहीं जाएगी, और ब्लैक कलर के साथ ब्लैक कलर क्या हो जाएगा, कॉमोफ्लेज हो जाएगा, ठीक है, मतलब मिल जाएगा। तो ये जो बर्ड आएगी वो क्या करेगी, इस व्हाइट वाले मॉथ को खा जाती थी, और ये ब्लैक वाला मॉथ बच जाता था, तो व्हाइट मॉथ की में क्या हो गई, गिरावट आ गई, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, कि इंडस्ट्री की वजह से क्या हो गया, इन्वायरमेंट पे चेंज पड़ा, ठीक है। और हमें क्या देखने को मिला, और हमें ये देखने को मिला, जो सिचुएशन के साथ खुद को बदल लेते हैं वही नेचर के साथ आगे बढ़ पाते हैं, जो सिचुएशन के साथ, जो नेचर के साथ खुद को नहीं बदलते वो क्या हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। जैसे कि ब्लैक मॉथ और व्हाइट मॉथ वाली आपने स्टोरी देख ली, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए, फिर उसके बाद से हमारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन यहाँ पे मैन मेड सिलेक्शन, यहाँ पे मैन मेड एक्टिविटी ज्यादा होती है, जहाँ पे मैन मेड एक्टिविटी होगी वहाँ पे तबाही तबाही होगी ज्यादातर, ठीक है। देखिए, मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी वील्ड एनिमल एंड प्लांट, ठीक है, ही हैज ऑल्सो सिलेक्टेड मेनी प्लांट एंड एनिमल एंड कैरीड बट इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स टू रेज न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट और सिक्योरिटी। अपने फायदे के लिए क्या करने लगा, बहुत सारी ब्रीडिंग प्रोग्राम ऐसे रेज कर दिए उन्होंने, ठीक है। तो यही हमारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। फिर उसके बाद से आते हैं म्यूटेशन पे, म्यूटेशन किसने दिया था, म्यूटेशन दिए थे ह्यूगो डेवरीज ने, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, दे कॉज इवोल्यूशन, इन्होंने ह्यूगो डेवरीज ने बताया कि जो हमारा म्यूटेशन होता है ये किसे कॉज करता है, इवोल्यूशन को कॉज करता है। और ये इन्होंने किसके ऊपर वर्क किया था, इन्होंने वर्क किया था इवनिंग प्राइम रोज पे, इवनिंग प्राइम रोज को हम बोलते हैं इनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है। क्या बोलते हैं इवनिंग प्राइम रोज को, इनोथेरा लेमार्कियाना बोला जाता है, ठीक है। ही डिफाइंड, ह्यूगो डेवरीज ने ही डिफाइंड म्यूटेशन एज लार्ज हेरिटेबल चेंज अकरिंग सडनली इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। इन्होंने बताया कि जो म्यूटेशन होता है वो एक लार्ज चेन है, चेंज है, ठीक है, हेरिटेबल चेंज अकरिंग सडनली इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद से अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिग्री, ह्यूगो डेवरीज, म्यूटेशन कॉज स्पेशिएशन, स्पेशिएशन कॉज करता है, ठीक है, एंड कॉल्ड इट इज साल्टेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, साल्टेशन बोलते हैं, जैसे कि डेट इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए, ह्यूगो डेवरीज म्यूटेशन आर रेंडमली एंड डायरेक्शनलेस, जो इनका म्यूटेशन था वो रेंडम था और डायरेक्शनलेस था, वाइल डार्विन की जो थ्योरी थी वो वेरिएशन, डार्विन का जो वेरिएशन वाला थ्योरी था स्मॉल था, छोटा था लेकिन डायरेक्शनल था, ठीक है। देखिए, इन्होंने क्या किया था, इवनिंग प्राइम रोज पे एक्सरे एक्सपोज की, एक्सरे की रे डाली, ठीक है, रे डाली, तो उसमें क्या हो गया, सडनली चेंज हो गया, सडनली क्या हो गया, उसकी स्पीसीज क्या हो गई, नई हो गई, ठीक है। इफ इट सडनली फॉर्म न्यू स्पीसीज, जब एक्सपोज इवनिंग प्राइम रोज पे, ठीक है, इवनिंग प्राइम रोज पे जब इन्होंने क्या डाला, एक्सरे को डाला, तो उसकी स्पीसीज में क्या हो गया, सडन चेंज आ गया। इन्होंने इसको उसका क्या नाम दे दिया, म्यूटेशन का नाम दे दिया, इसी को उन्होंने म्यूटेशन बोला, ठीक है। देखिए, ह्यूगो डेवरीज बिलीव दैट सच लार्ज सिंगल स्टेप म्यूटेशन कॉल्ड साल्टेशन कॉज स्पेसिएशन बट इवोल्यूशन फॉर डार्विन इज ग्रेडुअल। इवोल्यूशन डार्विन के लिए क्या था, एक स्लो प्रोसेस था, ठीक है, अकर ओवर अ नंबर ऑफ जनरेशन, वो बहुत सारे जनरेशन के बाद ही होता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, ह्यूगो डेवरीज बिलीव म्यूटेशन इज द ओनली बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्स फॉर इवोल्यूशन। ह्यूगो डेवरीज का मानना था कि म्यूटेशन सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है इवोल्यूशन के लिए, ठीक है, म्यूटेशन जो है सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है इवोल्यूशन के लिए, मतलब सबसे बड़ा चेंज है इवोल्यूशन में, सबसे बड़ा चेंज यहीं से आता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, जो ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन भी कोई चीज है भाई साहब, ठीक है। फिर उसके बाद आए हमारे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या था, पी प्लस क्यू का स्क्वायर, जैसे पी की जगह, पी की जगह पे आप ए रख दीजिए और क्यू, क्यू की जगह पे बी रख दिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन कर देंगे तो पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, और ये किसके बराबर है, वन के बराबर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए, जो पी स्क्वायर है वो हमारा बताता है जीनोटेपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, क्या बताता है, जीनोटेपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट्स, और टू पी क्यू पर क्या बताता है, हेटरोजाइगस को बताता है, और क्यू स्क्वायर क्या बताता है, होमो जाएगा उसको बनाता है, ठीक है। देखिए, ही टोल्ड एक पॉपुलेशन स्टेबल रहती है अगर वहां पे इवोल्यूशन कम नहीं कर रहा, ठीक है, क्या नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, ठीक है, एक एक जो पॉपुलेशन है वो तब तक स्टेबल रहेगी जब तक वहां पे इवोल्यूशन अकर नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि इवोल्यूशन क्या, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, माइग्रेशन नहीं होता है, रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, म्यूटेशन नहीं होता है, या फिर कोई भी नेचुरल सिलेक्शन वहां पे नहीं होता, तब तक वो पॉपुलेशन कैसी रहेगी, स्टेबल रहेगी। फिर हम आते हैं जीन माइग्रेशन पे, जीन माइग्रेशन क्या है, व्हेन सम इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन माइग्रेट टू अदर पॉपुलेशन, जब एक पॉपुलेशन के कुछ लोग, ठीक है, कर जाए, वो कहाँ माइग्रेट कर जाए, दूसरे पॉपुलेशन में जाकर के माइग्रेट कर जाए, ठीक है, और व्हेन सर्टेन इंडिविजुअल कम इन टू अ पॉपुलेशन, और जब कोई और, जब कोई और इंडिविजुअल जो है किसी पॉपुलेशन में आ जाए, ठीक है, पॉपुलेशन की क्या हो जाए, मिक्सिंग हो जाए, इधर के पॉपुलेशन के लोग उधर चले गए, उधर के पॉपुलेशन के लोग इधर आ गए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन पॉपुलेशन चेंज, तो वहां पे जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, दैट इज
सम जीन आर लॉस्ट इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, जब एक इंडिविजुअल, एक पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल दूसरे पॉपुलेशन में चले जाएंगे, तो उस पॉपुलेशन में क्या होता है, जीन हमारे क्या कर जाते हैं, सम जीन आर लॉस्ट इन द फर्स्ट केस एंड एडेड टू द सेकेंड केस, और दूसरे केस में क्या हो रहे हैं, जीन एड हो जा रहे हैं। ठीक है, इफ दिस माइग्रेशन अकर अ नंबर ऑफ टाइम जीन फ्लो अकर, अगर ये माइग्रेशन बहुत लंबे समय तक चलता रहा तो वहां पे क्या अकर करता है, जीन फ्लो होता है। ठीक है, फिर आते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट पे। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट अप्लाई फॉर स्मॉल पॉपुलेशन, इसको हम छोटी पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे कि हमारा जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये एक सडन चेंज है, मतलब तुरंत चेंज होता है। ठीक है, अब इसमें हमारे दो चीजें देखने को मिलती है जेनेटिक ड्रिफ्ट में, एक फाउंडर इफेक्ट देखने को मिलता है और एक बॉटल नेक इफेक्ट देखने को मिलता है। जो हमारा फाउंडर इफेक्ट है उसमें क्या होता है, जब एक बड़े ग्रुप पॉपुलेशन, ठीक है, जब एक बड़ा ग्रुप या फिर पॉपुलेशन से एक बड़ा ग्रुप निकल कर दूसरे ग्रुप में दूसरा ग्रुप बनता है, उसे कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, जैसे मानिए बहुत बड़ा ग्रुप था पॉपुलेशन का, उसमें से क्या हुआ, एक छोटा सा ग्रुप निकल के दूसरा, मतलब एक पूरा पॉपुलेशन ही बना ले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट। एक बड़े पॉपुलेशन में से छोटा सा वो ग्रुप निकला, उसने क्या करा लिया, उसने एक दूसरा शहर बसा लिया। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, तो उसको क्या बोलेंगे, फाउंडर्स इफेक्ट बोलेंगे। फिर उसके बाद से आता है बॉटल नेक इफेक्ट। तो बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है, एक बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, वो एकदम से कम हुई, ठीक है, और फिर से बढ़ गई। जैसे कि हमारे देखते होंगे कि ये, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है बिहार में छठ पूजा वगैरह आती है, ठीक है, तो छठ पूजा के टाइम पे क्या होता है कि कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा निकलने लगते हैं। ठीक है, और फिर जब छठ पूजा चली जाती है और उसी के लगभग आसपास दिवाली भी होती है, तो क्या होता है, देखिए जब कीड़े मकोड़े उस टाइम पे बहुत ज्यादा निकलते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद से क्या होगा, इतने पटाखे फूटते हैं उस टाइम पे, छठ पूजा में हम लोग बहुत ज्यादा वो क्रैकर्स व्रैकर बहुत ज्यादा बर्न करते हैं, तो क्या होता है कि उस टाइम पे इतना धुआं धुआं हो जाता है कि जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं सब उस समय उनकी प्रजाति क्या होती है, उनका जो पॉपुलेशन हो क्या होता है, कम होता है। फिर अगली साल फिर ऐसे क्या होता है, एकदम से बढ़ जाते हैं। तो ये होता है, ठीक है, एक बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, एकदम से कम हुई फिर से बढ़ गई, तो ये साइकिल क्या होती है, ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है। समझ में आया। फिर देखिए नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं प्रोसेस डिपेंड ऑन द ट्रेड, किस पर डिपेंड करता है, ट्रेड पर डिपेंड करता है, फेवर्ड एंड प्रोड्यूस वन ऑफ द थ्री फॉलोइंग इफेक्ट, किसको, तीन फॉलोइंग इफेक्ट को, जैसे कि स्टेबिलाइजेशन, डायरेक्शन, डायरेक्शनल चेंज, उसके बाद से डिसरप्शन। ठीक है, इन सब तीन चीजों को क्या करता है, नेचुरल सिलेक्शन डिपेंड करता है। जैसे कि स्टेबिलाइजिंग की बात करते हैं, तो जैसे हमारा ग्राफ है तो यहाँ पे स्टेबल है, ठीक है, ये किसको सपोर्ट करता है, स्टेबिलाइजिंग ग्राफ जो होता है ये हेटरोजाइगस को सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद से डायरेक्शनल की बात करते हैं, तो डायरेक्शन में हमारा किसी एक मीन कैरेक्टर की वैल्यू करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा हमने बात की थी मौत वाली, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल मैलेलिज्म, इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं डायरेक्शनल को। फिर उसके बाद से बात करते हैं डिस्ट्रप्शन को, डिस्ट्रप्शन में क्या करेगा, बोथ दोनों एक्सट्रीम को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शनल में मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है, इन, और फिर डिस्ट्रप्शन में क्या होता है, इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरीफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ द डिस्ट्रप्शन कर्व। ठीक है, हम आते हैं इवोल्यूशन ऑफ एनिमल पे। देखिए 2000 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, या फिर 2 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपियर्ड ऑन द अर्थ। कब हमारी फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपियर हुई थी अर्थ पे, 2000 मिलियन ईयर अगो या फिर 2 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, देखिए इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड अराउंड 5 मिलियन ईयर बिफोर, ठीक है, जो हमारे इनवर्टिब्रेट्स थे वो कब बने थे, 5 मिलियन ईयर बिफोर बने थे। ठीक है, जॉलेस फिशेस मस्ट हैव इवॉल्व अराउंड 340 मिलियन ईयर अगो, जो हमारी जॉलेस फिशेस थी वो कब बनी थी, 340 मिलियन ईयर अगो बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर और सो रेप्टाइल्स आर डिफरेंट शेप साइज डोमिनेंट द अर्थ, और 200 मिलियन पहले हमारे क्या बने थे, रेप्टाइल वगैरह बनना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद से फर्स्ट मैमल इज सू लाइक, जो हमारा फर्स्ट मैमल था वो कैसा था। अब देखिए हम आते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन पे, मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। देखिए सबसे पहले हमारे 15 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, 15 मिलियन ईयर अगो सबसे पहले हमारे आए थे ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस। कौन था, ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस होते थे 15 मिलियन ईयर अगो पहले। ठीक है, फिर उसके बाद से हमारा आया ऑस्ट्रोलोपेथिकस, ठीक है, और ऑस्ट्रोलोपेथिकस कब आया, 2 मिलियन ईयर अगो, जिसकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 450 से 600 क्रेनियल कैपेसिटी थी। ठीक है, फिर उसके पास है होमो हैबिलस, ठीक है, होमो हैबिलस जो थे ये होमिड होमिनिड लाइक कैरेक्टर थे, ठीक है, दे आर गुड टूल मेकर, ये टूल मेकर थे, बहुत अच्छे टूल में करते हैं, इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 650 से 800 क्रेनियल कैपेसिटी। फिर उसके पास आए होमो इरेक्टस, जो हमारे होमो इरेक्टस थे ये हमारे कैसे हुआ करते थे, स्ट्रेट स्ट्रेट हुआ करते थे, एकदम सीधे, ठीक है, इरेक्टस का इरेक्ट का मतलब सीधा, ठीक है, खड़े रहना। ठीक है, फिर उसके बाद से दे फाउंड फायर बाय टू स्टोन, देखिए इन्होंने क्या किया, पत्थर रगड़ के आग का क्या किया था, आग ढूंढी थी। ठीक है, उसकी इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी होती थी, 900 क्रेनियल कैपेसिटी होती थी। ठीक है, देखिए फिर आए हमारे नियंडरथल, जो हमारे नियंडरथल थे दे हैव सो मच वेट, इनका ये बहुत ज्यादा भारी होते थे, ठीक है, बहुत हैवी होते थे ये लोग। ठीक है, इनको बोला जाता था होमोसेपियंस नियंडरथेलनेस। ठीक है, उसके पास इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 14 तो क्रेनियल कैपेसिटी थी। ठीक है, देखिए ये क्या करते थे, दे यूज टू बरो देयर डेड वन विद फ्लावर, ठीक है, ये
फ्लावर के साथ करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद से क्रोमैग्नन, इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 1650 क्रैनियल कैपेसिटी। सबसे ज्यादा क्रैनियल कैपेसिटी किसकी थी, क्रोमैग्नन की थी, ठीक है, 1650 क्रैनियल कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद से होमो सेपियंस, सेपियंस है जो कि मॉडर्न मैन जो कि हम लोग हैं, ठीक है, इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी है, 1450 क्रैनियल कैपेसिटी। देखिए हम लोग से भी ज्यादा क्रोमैग्नन की थी, ठीक है। अच्छा देखिए, 4 बिलियन ईयर अगो पहले लाइफ अपियर हुई, ठीक है। फिर उसके बाद से 3 बिलियन ईयर अगो पहले नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया। फिर उसके बाद से 2 बिलियन ईयर अगो पहले फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म हुआ। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये सारे डेटा मैं एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो, समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।